Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. आज मैं डालूँ आपके लिए और मज़ेदार वीडियो जिसमें मैं कुछ और शॉर्ट्स के बारे में बताऊँगा जो ज़्यादातर एमएस ऑफिस में यूज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। This one is कैसे हम एक पैराग्राफ को सेंटर पर ला सकते हैं, क्या वो शॉर्ट कीज। Control plus B देखा ना, ये सेंटर में हो गया दोबारा। ठीक है, दूसरा है जो हम पैराग्राफ कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं एम एस ऑफिस में। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि ये जस्टिफाई। ठीक है, लेकिन जब हम करेंगे कंट्रोल प्लस जे, ये भी इसके साथ कुछ भी नहीं अपनी जगह पर ही है। अगर हम से अपने जगह से दूसरी जगह का जगह ले जाते हैं तो हम कंट्रोल जे करने के लिए वापस अपनी जगह पर आ जाता है। मीन्स जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि एक तरतीब देना, आपको तकलीफ देना। ठीक है, तीसरा शॉर्टकट की है, तीसरा शॉर्टकट की इज थर्ड वन कि हम एक पैराग्राफ को लेफ्ट में कैसे ले जा सकते हैं या उसे राइट में। वह है जब हम किसी पैराग्राफ को लेफ्ट में लेना ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल। अब ये ऑलरेडी लेफ्ट में है। ठीक है, अगर हम इसे कंट्रोल प्लस ई के मदद से सेंटर में ले जाते हैं तो जहाँ वो कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल ये वापस लेफ्ट में आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट ये है हम किसी पैराग्राफ को आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा सकते हैं, चाहे वो कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, कैसे ये देखते हैं, यहाँ से कंट्रोल प्लस एम बार बार क्लिक करें तो ये राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है जब हम किसी किसी पैराग्राफ को राइट में अलाइन कर सकते हैं, राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस आर। ये बहुत
which is controlled as R at the same time. ठीक है, अब हम इन इस लाइन को राइट में लाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर राइट में बेटर इसे देखें कंट्रोल प्लस आर राइट में होगा तो कंट्रोल प्लस एल टेस्ट में होगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ ठीक है. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. अस्सलामुअलैकुम.